सो हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। गाइज आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और GTA 5 में आज हम फिर से मेगा रैंप चैलेंज करने जा रहे हैं। और मेगा रैंप चैलेंज में आप लोग देख सकते हो कौन कौन है, मोटू है, पतलू है, डॉन द जॉन है, और यहाँ पर डॉक्टर झटका, चिंगम सर, घसीटा राम है। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें हैं इस चैलेंज में, और जो भी इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा उसे काफ़ी बढ़िया इनाम दिया जाएगा। और पहले नंबर पे इस चैलेंज को कंप्लीट करने जा रहा है पतलू। और पतलू कौन सी कार में बैठेगा, ये ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी में पतलू बैठ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। गाइस आप लोग देख सकते हो इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आगे जाना है, और यहाँ पर बर्गर रखे हैं, फुटबॉल रखे हैं, वो भाई कितने बड़े बड़े टायर रखे हुए हैं जिनको टक्कर मार के नीचे गिराना है। और यहाँ से वो भाई ऊपर जाना है, ये पतलू ने ऊपर लगा दिया जंप, और यहाँ तक तो आ गया पतलू। और यहाँ से घूम के ऊपर जाना है, ऊपर एक बड़ा सा जंप लगाना है। ये चैलेंज यहाँ तो आसानी लग रहा है, लेकिन गाइज आगे थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो पतलू को संभल के जाना होगा, और यहाँ से एक छोटा सा जंप लगाना है, बड़ा सा नहीं गाइज, क्योंकि बड़ा सा जंप लगाएगा तो उस पार चला जाएगा पतलू। और ये जंप लगा भी दिया, ओ भाई। चलो गाइज यहाँ तक तो आ गया पतलू। अब आगे का चैलेंज यहाँ से बाइक से कंप्लीट करना है, जो कि आप लोग बाइक देख सकते हो काफ़ी सारी बाइकें हैं। तो ग्रीन कलर की बाइक पे बैठ चुका है पतलू, और ये रास्ता तो काफ़ी आसान है गाइज, इसमें बस बाइक को आगे भगाना है, इसमें गिरने का थोड़ा सा भी डर नहीं है। और गाइज यहाँ पर रैंप आप लोग देख सकते हो कितनी सारी इसमें लाइटें जल रही हैं, और सब काफ़ी ओपी इसका लुक आ रहा है। तो ये पार करना है पतलू को कैसे भी करके, ये पार तो आसानी से कर देगा, और ये कर भी दिया। और गाइज आगे का चैलेंज हेलीकॉप्टर से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे हेलीकॉप्टर है गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छी लग रही है, पतलू इसी में बैठने जा रहा है। और पतलू ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज कैसे पतलू हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा रहा है। लेकिन गाइज इसे जाना कहाँ पे, ये मुझे भी पता नहीं है। शायद से पतलू को कहाँ पे जाना है गाइज, कोई रैंप नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज सामने एक बड़ा सा रैंप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देख सकते हो गाइज, यहीं पे लगता है पतलू को हेलीकॉप्टर ले जाकर लैंड कराना है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर देख काफ़ी मुश्किल है हेलीकॉप्टर को लैंड कराना, देखते हैं हेलीकॉप्टर को लैंड करा पाता है पतलू या नहीं करा पाता है। और ये रैंप के ऊपर आ चुका है, और यहाँ से नीचे उतर रहा है, ओ भाई लैंड करा भी दिया, ओ भाई हेलीकॉप्टर को पलट दिया, यार ये क्या किया पतलू तूने। और गाइस यहाँ पर हेलीकॉप्टर देख सकते तो ब्लास्ट हो गई यार, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करा दिया पतलू ने। चलो गाइस यहाँ तक तो आ चुका है पतलू, अब आगे का चैलेंज इस कार से कंप्लीट करना है, जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी कारें हैं ये। तो इसका ग्रीन कलर की कार में फिर से बैठ चुका है पतलू, और आगे का रास्ता आप लोग देख सकते हो, ओ भाई नीचे जाना है। और ये क्या रखे हुए हैं गाइस, इनको टक्कर मार के साइड से नीचे गिराना है, कितने बड़े बड़े हैं ये भाई साहब आप लोग देख सकते हो। तो इनको टक्कर मार के नीचे गिराते हुए जाना है इस चैलेंज को कंप्लीट करने, और ये टक्कर मार दिया और फिर से टक्कर, ओ भाई क्या कार का बुरा हाल हो गया, टक्कर मारने में कार पूरा घूम जा रही है, क्योंकि गाइस ये काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी भारी हैं, और कार से भी बड़े हैं, इसीलिए कार घूम जा रही है इनको टक्कर मारने में। और नीचे जाना है गाइस, और ये एक लास्ट बचा और ख़त्म हो गया, कार कैसे घूम रही है गाइस आप लोग देख सकते हो। और नीचे जाना है, नीचे जंप लगाना है, एक छोटा सा जंप लगाना है, और उसके बाद आगे का चैलेंज कंप्लीट करना है दूसरे कुछ से। और ये जंप लगा दिया पतलू ने, और यहाँ तक तो आ चुका है पतलू, लेकिन गाइज यहाँ पर कार का बुरा हाल कर दिया, पूरा तोड़ फोड़ दिया। चलो गाइज यहाँ तक तो पतलू आ चुका है, और आगे काफ़ी सारी बोट रखी हुई है, यहाँ पर नाएँ रखी हुई हैं, तो नाव पर बैठ चुका है पतलू ग्रीन कलर की, ओ भाई सिर्फ ग्रीन कलर की चीज़ पर बैठ रहा है पतलू, ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर पे बैठा था, ग्रीन कलर की कार पे बैठा था, और ग्रीन कलर की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नाव में बैठ चुका है। और ये रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पंखे कैसे नाच रहे हैं इसके, और पंखों के बीचों बीच निकलना होगा पतलू को कैसे भी करके। तो गाइस देखते हैं पतलू इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। यहाँ तक तो आ चुका है, आधा से ज़्यादा चैलेंज को पतलू ने कंप्लीट कर दिया, और थोड़ा सा बचा है जो कि मुझे लगता है पतलू कर देगा आसानी से। ये पंखे नाच रहे हैं,
लेकिन पंखे नीचे जैसे ही जा रहे हैं पतलू निकल जा रहा है शर्ट से और यहाँ तक आ गया और एक पंखा बचा हुआ है, वो भाई एक पंखा और है और ये पतलू ने पार कर दिखाया। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया पतलू और ये चैलेंज भी ख़त्म हो चुका है। तो इस चैलेंज का विनर पतलू बन चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कोई भी गाड़ी या हेलीकॉप्टर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ फिनिश पॉइंट पे आ चुका है पतलू और पतलू इस चैलेंज का विनर बन चुका है। अब चलो गाइस यहाँ पे पतलू तो चैलेंज को जीत लिया, अब दूसरे कोई को भेजते हैं चैलेंज के लिए। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे जा रहा है मोटू और मोटू इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा और देखते हैं गाइस मोटू इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। मोटू ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो उसे भी इनाम दिया जाएगा और येल्लो कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठ चुका है ये मोटू और ये बड़े बड़े बर्गर टायर इनको टक्कर मारना है। ओ भाई उसको टक्कर, ओ भाई ये क्या हो गया, मोटू सीधा नीचे छलांग लगा दिया, नीचे जंप लगा दिया यार, पानी में आ गया। और मोटू इस चैलेंज को शायद से हार चुका है क्योंकि पहले उसने पानी में जंप लगा दिया और चैलेंज को हार गया। अब चलो गाइज अब कौन जाएगा, अब मैं चलता हूँ इस चैलेंज को कंप्लीट करने। और गाइज देखना मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके विनर मैं भी बन जाऊँगा पतलू की तरह। और ये लैम्बोर्गिनी काफ़ी अच्छी लग रही है तो इसी में मैं बैठ चुका हूँ। और गाइज आगे का रास्ता तो आसान ही है जो कि मैं आसानी से पार कर लूँगा। ये बड़े बड़े टायर रखे हैं भाई, इनको टक्कर मारना है। और गाइज यहाँ से ऊपर जाना है धीरे से, नहीं तो मोटू यहीं पे गिरा था और ये मैं बच गया। चलो गाइज यहाँ से तो बच गया और आगे जाना है और आगे यहाँ पर से जंप लगाना है शायद से। ये बड़ा सा रैंप आप लोग देख सकते हो, इसी पे जंप लगाना है। एक छोटा सा जंप है, बड़ा सा जंप नहीं लगाना है, छोटा सा जंप लगाना है गाइज, नहीं तो बड़ा सा जंप लगाएंगे तो उस पार चले जाएंगे पानी में। और गाइज ये मैंने जंप लगा दिया सक्सेसफुली। और गाइज यहाँ पर बाइक है, काफ़ी सारी बाइकें हैं आप लोग देख सकते हो, कितने रंग बिरंगी बाइक है। ये बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है तो इसी में मैं बैठ चुका हूँ और आगे का चैलेंज इसी बाइक से कंप्लीट करना है। भाई यार ये कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पानी में गिरा होता, थोड़ी सी और गलती करता तो बच गया। चलो गाइज इस रैंप के अंदर चलते हैं और ये रैंप काफ़ी आसान है, बस इसमें स्टंट मारना रहता है जो कि मैं स्टंट नहीं मारूंगा, नहीं तो मैं गाइज गिर जाऊंगा फालतू में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज रंग बिरंगे यहाँ पर RGB लाइटें जल रही हैं, कितनी अच्छी अच्छी लाइटें हैं गाइज। तो ये चैलेंज भी ख़त्म हो चुका है। चलो गाइज ये चैलेंज भी ख़त्म हो गया। तो गाइस बाइक वाला चैलेंज तो ख़त्म हो गया, अब हेलीकॉप्टर से आगे का रास्ता कंप्लीट करना है। और यहाँ पर काफ़ी सारी हेलीकॉप्टर है गाइस, ये हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छी लग रही है, इसी में बैठ जाता हूँ और हेलीकॉप्टर वाला चैलेंज कंप्लीट करता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं हेलीकॉप्टर में बैठ चुका हूँ और ये येल्लो कलर की हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है गाइस कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ लेकिन गाइज एक बड़ा सा रैंप है, वहीं पे जाना है इसे लैंड कराने। रैंप अभी काफ़ी ऊंचा है, मुझे पूरा ऊपर ले जाना होगा हेलीकॉप्टर को। और ये रहा रैंप, बड़ा सा रैंप है गाइज, इसी पे लैंड कराना है इस हेलीकॉप्टर को। तो देखते हैं गाइज मैं इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करा पाता हूँ या नहीं करा पाता हूँ। और यहाँ से नीचे जाना है। ओ भाई ये क्या हो गया गाइज, आप लोग देख सकते हो ये पंखे लड़ने लगे मेरे हेलीकॉप्टर के रैंप में जाकर। ओ भाई चलो गाइज इस यहाँ से तो बच के निकल गए, यहाँ से पहले बच के निकलते हैं, ऊपर जाना है, मैं नीचे से जा रहा हूँ पंखों की मदद से। चलो गाइज ऊपर चलते हैं और ये मैं जंप अप लगाऊंगा और ये थोड़ा सा और बचा है लैंड कराने में और ये लैंड करा रहा हूँ। ओ भाई लैंड भी हो गया सक्सेसफुली। ओ भाई लेकिन ये हेलीकॉप्टर देख सकते हो गाइस पूरी तरह से टूट फूट गई, ब्लास्ट हो गई, ख़त्म हो गई। चलो गाइस यहाँ से आगे का चैलेंज कार से कंप्लीट करना है तो कार में बैठ जाते हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर कार है भाई, आप ये देख सकते हो येलो कलर की कार कितनी अच्छी लग रही है, तो इसी में मैं बैठ चुका हूँ। और आगे का चैलेंज यहाँ से नीचे जाना है गाइस, तो फुल स्पीड में चलते हैं गाइस, यहाँ से नीचे जाने में कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, तो फुल स्पीड में चलते हैं। और ये नीचे मैं पहुंचने ही वाला हूँ और थोड़ा सा बाकी है ये रास्ता और ये मैं जा रहा हूँ नीचे। ओ भाई कितना बड़ा ये रास्ता है गाइज, आप लोग देख सकते हो इतनी स्पीड में आ रहा हूँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ।
अब शायद से ख़त्म हो जाएगा। और ये मैंने जंप लगा दिया, चलो गाइस बाल बाल बच गया नीचे जाने से। चलो यहाँ से चलते हैं और आगे आप लोग देख सकते हो गाइस काफ़ी सारी बोट यानी नाव हैं, तो नाव से आगे का चैलेंज कंप्लीट करना है तो यहाँ पर बैठ जाते हैं। और मुश्किल तो रास्ता रहने वाला है क्योंकि गाइस इस रास्ते में पंखे हैं, बड़े बड़े पंखे हैं, इनके बीचों बीच पार करना है ये चैलेंज का रास्ता। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है गाइस, सबसे मुश्किल ये रास्ता मुझे लग रहा है, लेकिन गाइस आसानी से पार कर सकते हैं अगर धीरे धीरे गया तो मैं। अगर तेज़ी में जाऊंगा तो टकरा जाऊंगा, धीरे धीरे ही मैं चल रहा हूँ और यहाँ से निकल गया और थोड़ा सा बचा है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी निकल गया और चार पंखे बचे हैं जिनको मुझे पार करना है। और ये तीसरा पंखा भी पार कर दिया लेकिन थोड़ी सी टक्कर मारी, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और यहाँ से निकल गया और दो पंखे हैं जो कि मैं आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ और ये मैंने कर दिखाया। ओ भाई ये टक्कर मार दी लेकिन काफ़ी कम टक्कर मारी और ये बच गया। ओ भाई यार मैंने भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया और इस चैलेंज का विनर मैं भी बन चुका हूँ। पतलू भी इस चैलेंज का विनर बन चुका है और मैं भी इस चैलेंज का विनर बन चुका हूँ, तो हम दोनों लोगों को इनाम मिल जाएगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर